हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो पेपर वन में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स जो बहुत बार पेपर में एज इट इज या फिर घुमा फिरा कर पूछे गए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में भी आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि आसानी से आप सब करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। स्टूडेंट्स, पेपर को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप सभी एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से तैयारी करें। एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा, साथ ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं। नोट्स बनाने में बच्चों का बहुत समय बर्बाद होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर हम पीडीएफ नोट्स देते हैं, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो बिना अपना समय बर्बाद किए। साथ ही फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रिविजन के लिए। एंड ये 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में से मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पेपर वन में 50 में से 35 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। न्यू बैच हमारा कमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच के लिए और पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप या तो गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ फ्री कंटेंट के लिए भी आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा ये कोर्स है और कैसे हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। सर्च बार में कोर्स को सर्च कीजिए, कंटेंट पर जाओगे तो इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल सेपरेट कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे, जहां पर आपको यूनिट वाइज फोल्डर्स मिल जाते हैं। इसका ये फायदा है कि आप चाहो तो किसी भी यूनिट में एमसीक्यूज या थ्योरी के जरिए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। एंड यकीन रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल Ambient Air Quality Standards on Air Quality Index, that is AQI, value of 200 indicates the quality of air as what? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, जो कि हर साल रिलीज किया जाता है, पूरे विश्व में एयर की क्या क्वालिटी चल रही है ये हमें बताता है। साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स ये भी बताता है कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कौन से कंट्री में है, उस पर्टिकुलर कंट्री की कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, एयर की क्या क्वालिटी है, तो ये सब एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें बताता है। तो इसमें कहा है कि इस इंडेक्स के हिसाब से अगर एयर क्वालिटी किसी कंट्री की 200 बताई जा रही है, इसका मतलब है कि वो वेरी पुअर होगी, मॉडरेट होगी, पुअर होगी या फिर सेटिस्फेक्टरी होगी। ओके, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मॉडरेट। 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स में वैल्यू है, मतलब एयर क्वालिटी ना अच्छी है ना बुरी है, बिल्कुल बीच में जैसे है, जिसको कि आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि 2024 में एयर क्वालिटी इंडेक्स के रिजल्ट में इंडिया का कौन सा रैंक है, इंडिया किस नंबर पर आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया का तीसरा रैंक इस लिस्ट में 2024 के डेटा के हिसाब से आया है, जिसमें उनका इंडेक्स क्वालिटी लेवल जो है वो 54.4 बताया गया है। ओके, एंड जैसे इस क्वेश्चन में अभी आप लोग देख रहे हो कि 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स पूछा गया है, वैसे ही अगर आप लोगों से 0 से 50 के बीच में पूछा जाए, इसका मतलब है कि क्वालिटी गुड है, सेटिस्फेक्टरी होती है 51 से लेकर 100, मॉडरेट होती है 101 से 200, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है आसानी से, पुअर एयर क्वालिटी होती है 200 से 300 के बीच में, बहुत खराब अगर कंडीशन किसी जगह की है तो उसको वेरी पुअर में, यानी कि 301 से लेकर 400 के बीच में रेंज दी जाती है, एंड सेवियर यानी कि कंट्रोल नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा क्वालिटी खराब है तो उसकी रेंज होती है 401 से 500। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो आंसर होना चाहिए 0 से लेकर के 500 तक। तो आई होप इस क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम ऑर्डर ओल्डर टू न्यूअर ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट सबमिट एंड प्रोटोकॉल्स। ओके, सो देखिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं, जिनके नाम यहाँ पर दिए हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस मैंने आपको बताया था, पेरिस का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, तो पेरिस एग्रीमेंट को याद रखने के लिए आप रख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो एग्रीमेंट है, दैट इज पेरिस एग्रीमेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और रियो समिट। रियो समिट का दूसरा नाम अर्थ समिट भी है। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल आपका ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि सबसे पुराना इनमें से कौन सा है और सबसे नया
कौन सा है आपको उस हिसाब से ये अरेंज करने हैं। ओके सो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, पेरिस एग्रीमेंट की हम बात करते हैं। पेरिस एग्रीमेंट को 2015 में अडॉप्ट किया गया था, पेरिस में अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट इसका नाम है। देन वी हैव मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 1987 में था, 1987 में इसको अडॉप्ट किया गया था, एंड ज्यादा काम जो है इसका 1989 में स्टार्ट हो चुका था। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं, सो क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो जापान में अडॉप्ट किया गया था 1997 में, एंड असली काम इसका 2005 में से शुरू हुआ था। एंड अगर हम रियो समिट की बात करें, सो ये 1992 में स्टार्ट हुआ था। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट है बी, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डी, दैट इज रियो समिट। देन वी हैव क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The abbreviation NMSHE in the context of climate action plan of government of India stands for what? So इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, NMSHE की फुल फॉर्म पूछी है, नेशनल मिशन ऑन सोलर हाइड्रो एनर्जी क्लाइमेट एक्शन प्लान से जुड़ा है। ठीक है, आसान हो जाएगा आंसर ढूंढना। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। Which of the following is an ozone depletion, depleting substance? Ozone को ozone क्षयकारी पदार्थ कौन सा है, मतलब कि ozone layer जो deplete होती जा रही है, पतली होती जा रही है, उसमें सबसे बड़ा role किसका है? Sulfur dioxide, methyl chloride, carbon dioxide या methane? तो इसका सही answer है methyl chloride। एंड एग्जाम में इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है पहले कि मिथाइल क्लोराइड इज एन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ठीक है, एंड टू कंट्रोल और टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज हैज स्टार्टेड, या इस तरीके से कुछ। तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, अभी हमने डिस्कस किया। तो सेम चीजों को ऐसे घुमाकर पूछा जाता है। The share of renewable energy in the energy mix of our country sought to be achieved by 2030 is now what? Okay, हमारे देश में देखिए renewable energy की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा यूज अभी करने की बात की जा रही है, नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है। एंड इसमें बोला है कि इसका 2030 तक एक टारगेट सेट किया गया है जो हमें पूरा करना है। तो अभी अगर बात करें तो वो टारगेट कितना हो चुका है या कितना 2030 तक इसको पूरा करना है, तो सही आंसर है एटलीस्ट 50%। सो ये देखिए इंडियाज 5-point प्लेज और पंचामृत एट COP26, ठीक है। सो COP26 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, एग्जाम के लिए जरूरी है। नेट जीरो, अब देखिए 50% बोला है 2030 तक और नेट जीरो करना है 2070 तक। To increase its non-fossil fuel energy capacity 500 gigawatt by 2030, ये question भी आ चुका है exam में। Increase share of renewable energy, ये same question है, 50% by 2030। Economy by 45% and reduce emission by 1 billion tons of carbon dioxide by 2030। तो ये जितनी भी statements आपके सामने हैं, ये बहुत important है, exam में as it is आ सकती हैं। स्टूडेंट्स अगर ये सेशंस पसंद आ रहे हैं और चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं, अगली यूनिट कौन सी चाहते हो ये भी कमेंट करके बता दीजिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सोलर पावर। चलो तो इसके आंसर से पहले एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, वैसे हमने पढ़ा है उसको बहुत बार। सोलर पावर के लिए अभी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को यूज करो। तो मुझे ये बताइए कि इंडिया में 2023 के डेटा के हिसाब से कौन सा वो ऐसा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा लेवल पर सोलर एनर्जी का यूज कर रहा है। इस स्टेट का नाम मुझे कमेंट करके बताइए। नहीं पता है अगर नाम तो भी बता सकते हो, कि नहीं आता तो मैं कमेंट करके रिप्लाई कर दूंगी आप लोगों का, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में उसका आंसर शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग Source of energy is not a form of solar power. Solar power कौन सा नहीं है? Tidal power, ज्वारीय शक्ति भी solar है, wind power भी solar से काम करती है, जल विद्युत hydro power भी solar से काम करती है, but coal यहाँ पर इसका सही answer नहीं है। So not बोला था इसलिए सही answer है option number 3। Formation of photochemical smog involves
दी फॉलोइंग फोटोकेमिकल स्मॉग के अंदर कौन कौन से केमिकल्स आते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, फोटोकेमिकल स्मॉग हो गया, एसिड रेन के अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, या फिर आपका ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बताओ, ऐसे ऐसे केमिकल्स की लिस्ट आप लोगों ने बनाकर रखनी है, उसको बार बार पढ़ना है, तब जाकर एग्जाम तक याद रहेगी। ठीक है, सो फोटोकेमिकल स्मॉग की जब भी बात की जाती है, ठीक है, तो हम हमेशा सबसे पहले बात करते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में। सो ए नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं होता। तो देखो ए जहां जहां पर है, ऑप्शंस गलत हो गए, डायरेक्टली हम सही आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, सनलाइट भी है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मॉग में नहीं होते। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव अकरेंस एंड मल्टी कैजुअलिटी। सो इसमें देखिए बोला है कौन से प्राकृतिक खतरे की विशेषता प्रगतिशील घटना और बहु कारणता है। ऑटोमेटिकली ये फटाफट प्रगति भी करता है और बहु कारणता भी है, मल्टी कैजुअलिटी भी जिसके अंदर आती है, दोनों प्रॉपर्टीज के साथ सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक एपिडेमिक होता है। ठीक है, सिर्फ एपिडेमिक होता है। अरेंज द फॉलोइंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज बताना चाहती हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो मेरी 5000 प्लस एमसीक्यू वाली सीरीज है, अगर आपने वो ली है और आप उसमें से ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो गलती से इस क्वेश्चन का आंसर वहां पे अर्थक्वेक आ गया है, लेकिन सही आंसर एपिडेमिक है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पोटेंशियल इन इंडिया। ओके, रीन्यूएबल सोर्सेज इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में उसको हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहली बढ़ती ऊर्जा कौन सी है? सो सबसे पहले जियोथर्मल एनर्जी है, मतलब सबसे लोएस्ट पे जियोथर्मल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो लोएस्ट पर जियोथर्मल है। और आप लोगों को अगर ये नहीं पता चल रहा ना, तो इतना तो आप थोड़ा सा आइडिया इस क्वेश्चन में लगा सकते हो कि अभी ये बोला जा रहा है सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी को यूज करो। ठीक है, तो सोलर एनर्जी हाईएस्ट होगी, तो ए आपका सही आंसर सबसे लास्ट में होगा, तो ए आ गया। उसके बाद बोला जा रहा है विंड एनर्जी, जैसे जो भी माइल्स वगैरह चलनी होती है, उन सब में ज्यादा से ज्यादा विंड एनर्जी यूज करने का भी फोकस किया जा रहा है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को बचाया जा सके, लेकिन वो सोलर एनर्जी से कम है, तो ए के बाद आपका सी आ गया। और सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया जियोथर्मल भूतापीय ऊर्जा, देन वी हैव बायोमास एनर्जी, उसके बाद विंड एनर्जी और सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, आगे आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट वन बोलती है टोटल एब्सेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेस डेंटल केरीज, यानी कि पीने के पानी में फ्लोराइड की पूर्ण अनुपस्थिति दंत क्षय का कारण बन सकती है, दांत खराब या दांत में कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ कर सकती है, ये इस क्वेश्चन में बोला है, स्टेटमेंट में बोला है, जो कि बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है विद प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर ऑल डेंटल प्रॉब्लम्स कैन बी अवॉइडेड। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से ऑपोजिट है, इसमें बोला जा रहा है सेकेंड में कि अगर सॉरी ऑपोजिट नहीं है, इसमें एब्सेंस था, ठीक है, ये प्रेजेंस है, ये वाली स्टेटमेंट सही है। इसमें बोलते हैं कि फ्लोराइड अगर ड्रिंकिंग वाटर में होता है तो दांत की सारी बीमारियों को सही कर दिया जा सकता है, या पहले ही बचा जा सकता है, उनको रोक दिया जा सकता है बीमारी होने से पहले, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कुछ को कंट्रोल किया जा सकता है बट सबको नहीं, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। इसी के साथ फिर सेशन को एंड करते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ स्टूडेंट्स आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ गए होंगे, एंड जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है उसको भी आपने नोट जरूर कर लिया होगा। सेशन पसंद आया है, कंटिन्यू करना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ एंड अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ढूंढ कर आप लोगों के लिए लाती रहूँ। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।